इस बार गणपति बप्पा का विसर्जन होगा बड़े धूमधाम से। उत्सव के दौरान मौलानाओं ने दिया आश्वासन। नवी मुंबई पुलिस द्वारा आयोजित एक शांति बैठक में विभिन्न धर्मों के मौलाना आगामी सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने का वादा कर रहे हैं। मुस्लिम मौलवियों ने कहा कि मुस्लिम समुदाय भी इस सभा में भाग लेगा, क्योंकि गणेश विसर्जन और ईद मिलाद दोनों त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे हैं। मुस्लिम मौलाना ने इस फैसले पर हिंदू समाज से काफ़ी खुशी जताई है। उन सभी मौलाना का सम्मान भी किया गया। पुलिस विभाग ने त्यौहार के दौरान शांति बनाए रखने के लिए अपील की है। इस दौरान अगर कोई भी गलत हरकत करते दिखा तो तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है। पुलिस तुरंत मदद भी करेगी। दरअसल त्यौहारों के दौरान लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और ऐसे में कुछ समाज कंटक लोग भीड़ का फायदा उठाकर अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। सेमिनेस्टल नवी मुंबई। आज या ठिकाणी संपूर्ण नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या वतीने आणि झोन वनच्या वतीने शांतता कमिटीची बैठक घेण्यात आली होती। त्या बैठकीसाठी हिंदू मुस्लिम आणि गणेश मंडळाचे सर्व सदस्य या ठिकाणी उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये मुस्लिम समाजाला आम्ही आवाहन केलं की अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी जो ईद ए मिलादचं प्रोसेशन ते करणार होते, त्यांना आम्ही आवाहन केलं की त्याच्या पुढच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी 29 तारखेला त्यांनी ते काढावं आणि मुस्लिम एकता फाउंडेशन आणि मुस्लिम समाजाचे इतर सर्व मान्यवर यांनी त्याला अनुमोदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी 29 तारखेला हे प्रोसेशन काढण्याबाबत सहमती दर्शवलेली आहे। त्याबद्दल सर्व गणपती मंडळांचे पदाधिकारी, सर्व सामाजिक नेते यांनी मुस्लिम समाजाचं या ठिकाणी अभिनंदन केलेलं आहे आणि या ठिकाणी हे दोन्ही उत्सव अतिशय शांततेत, अतिशय उत्साहात आणि एकमेकांच्या धार्मिक भावनांचा आदर राखत साजरे होतील असा विश्वास सर्वांनी या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे। त्याबद्दल आम्ही सर्वांचं अभिनंदन केलेलं आहे। उत्सव के तरफ है, चूंकि दोनों हमारे हैं और ये बात उन्होंने ऐसी सुझाव दिया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा, ताकि उसमें शांति हमारे सर्व धर्म को नवी मुंबई एक शांति का प्रतीक है, वो हमेशा से आ रहा है और हमेशा रहेगा, कोई जवाब नहीं।